रहे हैं बैंगन का भरता। उसके लिए हमने दो बैंगन लिए हैं जिनको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया और टमाटर लिया है। अब इनको हम इस बैंगन के ऊपर हम लगाएंगे तेल। बैंगन का भरता हम देसी स्टाइल में बनाएंगे और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और बहुत ही अलग तरीके से देसी स्टाइल में बनाएंगे, ये समझ के चलो। तो इससे हमने ऑयल लगा लिया है, इनसे हमने ऑयल लगा लिया है। इस तरीके से ऑयलिंग कर लेंगे इसकी, टमाटर पे भी कर लेंगे क्योंकि हमें इनको भूनना है। गैस पर हम इसको पकाएंगे, भूनेंगे। इनसे ऑयल कर लिया है, चलिए तो पकाना शुरू करते हैं। बैंगन का भरता खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है, चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने गैस चालू कर लिया है, इस पर हम बैंगन रखेंगे और इस तरीके से हमें पकाएंगे इनको। इसी तरीके से हमें इसे 4-5 मिनट तक धीमी आँच पर पकाना है, 5-6 मिनट तक इसी तरीके से घुमा घुमा के इसको पकाएंगे। इसी तरीके से हम इसको पकाएंगे और हमें इस बैंगन के भरते को यकीन मानी सब्जी से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हम इस तरीके से बनाएंगे कि बहुत अच्छा बनेगा, इस तरीके से हम बनाएंगे, इस तरीके से हम इसको पका लेंगे जब तक ये नरम, इसकी खाल बिल्कुल सिमट ना जाए, इसका जो छिलका है ना उसका पजर जल जाए ना गैस पे, जब तक इसको पकाना है। इसी तरीके से हमें बैंगन को पकाना है, इसी तरीके से देखो ये छिलका हो गया ना ऐसा, बस ऐसा ही हमें इसको पकाना है। इसी तरीके से हमें इसको पकाना है, इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरा बैंगन भी पकाना है, इसी तरीके से इसको भी पकाएंगे हम, क्योंकि इस तरीके से पकाते हैं ना तो भरते में ना स्वाद एकदम देसी स्टाइल का आता है, देसी खाने जैसा स्वाद आता है। आप इस तरीके से पका करके बनाना। इस तरीके से हमें दोनों बैंगन पका लिए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। बैंगन हमारा इसी तरीके से हमें पकाना था, पक चुका है, अब इसको हम निकालेंगे और इसके ऊपर हम टमाटर रखेंगे। इसी तरह हम टमाटर को पकाएंगे, इसी तरीके से हम टमाटर को पका लेंगे, इसी तरीके से पकाएंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा घुमाते घुमाते पकाएंगे टमाटर को भी। टमाटर तो हमारा बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम पका लेंगे टमाटर को भी। हमारा टमाटर भी पक चुका है, अब हम गैस को कर देंगे बंद। बैंगन भी पक गए और हमारे टमाटर भी पक गए। अब हम थोड़ी देर गैस को करेंगे बंद और इनका छिलका उतारेंगे। अब बैंगन हमने पका लिए, अब इनके हम छिलकों को उतारेंगे। बड़े आसानी से इसका छिलका उतर जाता है इस तरीके से, आप हाथ से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से निकाल देंगे हम इनके छिलकों को, निकाल करके साफ़ कर देंगे। आप ज़्यादातर ना निकालें तो भी ये अच्छे लगते हैं। इस तरीके से हम निकालेंगे इनको, छिलकों को सब निकाल लेंगे। इसको बैंगन के छलकों को हमने निकाल लिया है, हम अब इस तरीके से हम देखेंगे इनको। इस तरीके से निकाल लिया है हमने, इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। इस तरीके से हम इसको कट करेंगे, मसलेंगे थोड़ा। कट क्या करेंगे हम इनको, मसलेंगे, इसके डंठल निकाल देंगे हम। डंठल इनको हम निकाल देंगे इस तरीके से और इसको हम मसलेंगे। एक बाउल में डाल लिया इसको, अब इसको हम मसलेंगे इस तरीके से, क्योंकि उसमें हमारा प्लेट में मसलना नहीं हो रहा था। इस तरीके से हम इसमें मसल लेंगे कांच के।
इस तरीके से हम मस लेंगे। इस तरीके से हमने बैंगन को मसल लिया है। अब इसका हम तड़का लगाएंगे, छौंक लगाएंगे। छौंक लगाने के लिए हमने गैस तवे में छौंक लगाएंगे। ये लोहे का तवा है। आपने बहुत सारे कढ़ाई में छौंक लगाते हुए, नॉन स्टिक तवे पर छौंक लगाते हुए देखा होगा, लेकिन हम उनको डिफरेंट ये हमने लोहे का तवा लिया, उसे गैस पर रख दिया है। गैस पर हमने गर्म होने दिया है तवे को। गैस को हम मीडियम रखेंगे। अब इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल डालेंगे इसमें। ऑयल डाल दिया है, इसको हमें थोड़ा गर्म होने देना है। हमें इसको ऑयल को भी ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा कम ही पकाना है इसको हमें। इसको हमें गर्म होने देना है ऑयल को। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरे को हमें तड़क दे देना है। जब जीरा चटक जाए तो इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हींग। हींग का तो बैंगन के भरते में डालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी हींग डालेंगे एक पिंच। जब हींग चटकने लग जाए, जीरा चटकने लग जाए, इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, तो भी डाल दिया हमने। थोड़ा दंदरा रखा है हमने लहसुन अदरक की पेस्ट को। इसको पकाएंगे। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई। हरी मिर्च डाल दी हमने कटी हुई। आप इस तरीके से एक बार तड़का लगा के देखना, आपका बैंगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से बन के तैयार होगा। और आप इस तरीके से बनाओगे तो आप खाते ही रह जाओगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इस तरीके से हमें हरी मिर्च को भी पकाना है। अब इसमें डालेंगे प्याज कटा हुआ। दो प्याज लिया था हमने कटा हुआ, काट लिया था, इसे डाल देंगे। इसको हल्का ब्राउन होने तक हमें पकाना है। ऑनियन को हल्का ब्राउन होने तक हमें इसको पकाना है। इसको हमें हल्का ब्राउन होने तक पकाना है। इसको प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बैंगन को मसल कर रखा था ना, वो वाले भरते को डाल देंगे। गैस को हम मीडियम रखेंगे इस तरीके से। वाव, अभी तो हमने इसमें मसाले भी नहीं ऐड किए हैं, जब भी इतनी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर आपको जितना तीखा पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हो। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर स्वाद के अनुसार, नमक। इसको चलाएंगे हम बस। और हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हो। एक पिंच के बराबर हल्दी डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है डालो या ना डालो। थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हो। और इसको हमें पकाना है थोड़ा, एक मिनट के लिए पकाना है, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा मामूली सा, ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। इस तरीके से भरता हमारा बन चुका है। अब इसमें हम धनिया डालेंगे। आप इस तरीके से बनाओगे तो आपकी भरता बहुत ही बन के तैयार होगा। अब इसे हम सर्व करने के लिए बाउल में निकाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम ऊपर से तेल डालेंगे, कच्चा, पका हुआ नहीं, कच्चा। इस तरीके से
हमारा भरता बहुत ही स्वादिष्ट बन के रेडी हुआ है। आप इस तरीके से भरता बनाओगे तो आपका भरता बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। इस तरीके से आप बना करके एक बार देखना प्लीज़।